हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम चंद्रवासी। देखिए, सबसे खुशी की बात ऐसी है कि अयोध्या आई हूँ। राम जी की क्या महिमा कहते हैं ना, श्री नारायण हमेशा मेरे साथ है। मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ और कोई मेरे साथ और मेरे ग्रुप वालों के साथ चीटिंग कर ले, बहुत गलत बात है। देखिए, मैं लॉटरी का पैसा चलाती हूँ, मैं सामने से बोलती हूँ। मैंने अभी कुछ पावागढ़ में थी, तभी भी मैंने कहा था कि नॉर्मल 21,000 से शुरू होता है। 21,000 से भी कितने लोगों ने चीज़ें अपनी खुशी से डाली, ठीक है, और ये सब चीज़ों में। लेकिन कितने लोगों ने अपना डालने के बाद ये सब जो नाटक करते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, बगैर इन्फॉर्म के अगर आप कोई गलत काम करते हो तो आप ये भूल जाते हो कि आप पर भी मानहानि का केस हो सकता है। अभी जो चोर पकड़ा गया है, चोरनी है, लड़की है, वो पकड़ी गई है जिसने ये सारा हरकत किया है, ये सब करने के ऊपर से। और उसमें उसकी पूरी डिटेल्स आई है मुरादाबाद की, और वो विटनेस में मैंने उसको आज कहा है कि अपनी चीज़ें वापस लो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे और ग्रुप वालों को प्रॉब्लम हुई है। नहीं तो ये बात होगी कि तुम्हारी, देखो, एक तो वो लड़की जाते हो, उसको कुछ पता नहीं है, उन्हें वो जानबूझ के पुलिस का सहारा ले गए, बगैर इन्फॉर्म किए लोग सबके साथ फ्रॉड करने को देखते हैं। पहले तो उसने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड के साथ उसका शादी होने वाला है, वो ऐसी कास्ट के, शायद नीचे कास्ट की है, लड़का ऊँचे कास्ट का है, माँ बाप मान नहीं रहे, उसकी पूजा करानी थी लूना चमारी की, जब वो ना करा पाई तो उसने ये सब काम किया, ठीक है। और उसके बाद उसने वेट भी नहीं किया और 8 दिन में ये सारी हरकतें गई, तो सीधा सीधा फ्रॉड है। और उसने सामने वाले को अपनी कोई डिटेल्स नहीं दी है, साइबर वाले को डायरेक्टली सिर्फ मेरी डिटेल्स दी कि मैंने उसे क्या कहा। उसने अपनी बात नहीं बताई कि मैंने सामने से सब चीज़ें कराई थी। तो अभी कोई बात नहीं, हमारी पूरी टीम लग चुकी है। मैं तो सीधी बात है कि अगर ये चीज़ों का रिजल्ट नहीं निकला, ये जो भी साइबर क्राइम वाले सबकी बात सुनते, दोनों की बात नहीं सुनते, और ये तो सरासर फ्रॉड भी है, तो जो भी फ्रॉड अभी सामने आएगा, मैंने सामने वाले को मैसेज किया है कि अपनी गलती कबूल करो और सामने से वो चीज़ें तुरंत वापस लो, नहीं तो तुम्हारी जितनी डिटेल्स है, तुमने मुझे जितना व्हाट्सअप किया, क्योंकि पहले आप लोग मुझे काम देते हो, आप लोग अपना एड्रेस, नाम, फ़ोटो, सारा बात बताते हो कि मैंने ऐसा ऐसा किया था, इस काम के लिए मैसेज किया, उसके लिए बाकायदा लड़के का नाम सब कुछ है, फिर मैं वो यूट्यूब पर वो कर दूँगी, डिस्प्ले कर दूँगी। क्योंकि आप लोग अगर मेरी इज्जत निकाल को देखोगे तो मैं आपकी भी इज्जत के पीछे सोचूंगी नहीं। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। ये कहते हैं ना, पूजा पाठ में इतना तो असर है कि मैंने हमेशा देखा है कि कोई इतना आ नहीं सकता। मैंने कहा ना, मैं तह तक पहुँचूँगी, और मैं तह तक पहुँची। आज अचानक से मुझे एकाध जन को ग्रुप में, मैं सबको मैसेज भेज देती हूँ, तो एक जन को मैंने मैसेज भेजा, लेकिन मैंने सोचा कि इसको क्यों मैसेज भेज रही हूँ, जरा मैं इसको देखती हूँ। और सबसे बड़ी बात, सामने वाले ने ऑलरेडी साइबर कैफे में कंप्लेंट करने के बाद, झूठा कंप्लेंट करने के बाद, मुझे अभी तक 29 अगस्त तक वो मुझसे बराबर वो लेडीज़ बात कर रही थी, वो लड़की बरोबर बात कर रही थी कि माँ क्या हुआ, कैसे हुआ। मेरा कहने का सीधा सीधा सिद्धांत है, आपका काम है, अगर मैं आपका काम कर रही हूँ और आपका काम नहीं हुआ तो आप पहले मुझसे पैसे मांगिए। अगर मैं आपसे पैसे आपके नहीं दे रही, उसके बाद आपको जो भी स्टेप उठाना उठाइए, और वो भी बता के वो कीजिए। आप ऐसे करोगे तो ऐसे मत सोचो कि ऐसे करने से आप किसी का नाम खराब करोगे, ये भी हो सकता है कि आप पे मानहानि का केस हो सकता है, और आपके साथ साथ जो पुलिस वाले आपका साथ दे रहे हैं उन पर भी मानहानि का केस हो सकता है, क्योंकि उनको दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए, एक पक्ष के ऊपर होता नहीं है। तो अभी मैंने सोचा है कि अगर वो इंसान ने अभी अपना केस वापस लेते तो ठीक है, नहीं तो बॉम्बे जाने के बाद मैं वहाँ पे वो पूरी डिटेल्स, जो डिटेल्स है वो पहले मैं पुलिस वालों को दूंगी, पुलिस वालों को देने, क्योंकि आई एक्सेप्टेड, मैं तो करती हूँ भाई लॉटरी का काम, इसका नहीं, लेकिन मैं किसी के घर जाके मांगती नहीं हूँ। आप मुझे देते हो काम, आप अपना काम देते हो, और उस काम में लेट फास्ट होता ही, ऐसा नहीं कि आज बोला और कल हो जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में आप मुझे बगैर इन्फॉर्म किए अगर ये गलती करते हो तो उसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, अभी आप सोचो, आपने ये गलती की, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि पुलिस वाले किसी के नहीं होते, ना आपके ना मेरे, वो आपसे भी तोड़ पानी लेंगे, मुझसे भी लेंगे, कि मुझे बोलेंगे कि अभी आप ऐसा तोड़ पानी लेंगे। मैं तो तोड़ पानी देने से रही, मैं तो डायरेक्टली वीडियो बनाऊंगी कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसा दे रही, तुम वीडियो में बोलो, मेरी गलती बताओ। तो अभी ये बात ऐसी है कि अगर जिसका भी है वो वीडियो देखते हैं, जिसने भी ये हरकत की, अगर उसने बाकायदा सॉरी बोल के ये काम अगर उन्होंने वापस नहीं लिया, तो बात पक्की कि बॉम्बे जाने बाद उन पर FIR दर्ज होगा। अब वो मुझे क्या उधर बुलाएंगे, उनको सारे लोगों को यहाँ मुंबई आना पड़ेगा, और यहाँ आने के बाद जो होगा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये गलत है, ये रॉन्ग है। पहले आप लोग किसी को काम देते हो, और काम देने के बाद इस तरह से उनको ब्लैकमेल करोगे, उनका नाम खराब करने की कोशिश करोगे। आपको पता है किसी भी यूट्यूबर का नाम खराब करने पर आप पर मानहानि का केस हो सकता है। आप सोचो, एक लड़की 6 साल से एक आदमी के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ सो रही है, उठ रही है, बैठ रही है, उसमें वो बच्ची नहीं है, ठीक है, और मैंने उसका माइंड फेर के उससे पैसे ले लिए, इस बात में बच्ची है। मैं आज ये काम कब से कर रही हूँ, 5-6 सालों से कर रही हूँ, कितने लोगों ने मुझसे काम कराया, मैंने किसका माइंड फेरा। हमारा काम है,
हम आपको बताते हैं, अभी आप हमको अगर अभी अगर हम आप हमारे पास लॉटरी में पैसे डाल रहे हैं, हम आपको बोलेंगे 21,000 डालो, 50,000 डालो, लाख डालो, 2 लाख डालो, वो आपकी इच्छा है, उसमें माइंड फेरने का कैसा बात होगी। मैं तो बोलूँगी ना भाई, मेरा यूट्यूब का काम है तो मैं तो बताऊँगी। एक दुकान, अगर आप कपड़े की दुकान में जाते हो तो दुकान वाला आपको अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाएगा, वो सोचेगा कि मेरा काम अच्छा बढ़े, ठीक है। तो ये बात है। और जहाँ तक जिसने ये गलती की, आपको सच बोलूँ, उस इंसान को मैं फ़ायदा दिलाने के चक्कर में थी कि चलो उस बच्ची ने ऐसा किया, फ़ायदा दिला देते, लेकिन उन लोगों ने ये बात का गलत फ़ायदा उठा। अब इसमें ये भी पता चलेगा कि ये लोग फ्रॉड है कि क्या है, ये पता चलेगा। अभी सामने तो मैंने मैसेज किया है, अब वो मैसेज का अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया तो ये बात है कि वो रिप्लाई डायरेक्ट पुलिस लेगी। तुम लोग पुलिस खड़ा कर सकते हो, मैं नहीं खड़ा कर सकती हूँ क्या, ये बताओ। अब एक खुले शब्द में बोलती हूँ, तुम लोग 80-90 हज़ार के लिए किसी के भी बड़े लोगों का नाम खराब कर सकते हो। मैं वही 80-90 हज़ार अगर पुलिस वाले को उठा के दे दूँगी तो क्या करेंगे पुलिस वाले तुम्हारे साथ। तुम लोग गलत कर रहे हो ना, तुम आए थे हमारे पास, हम नहीं आए थे, और तुम्हारा माइंड कैसे फेरा। अरे बाप रे, तुम तो बच्चे हो। मतलब मेरे को वो साइबर कैफे वाले से भी ये पूछना है, साइबर क्राइम से भी ये पूछना है, क्या बोलते हो कि पीड़िता का आपने माइंड वॉश किया। तुम्हारी पीड़िता ऑलरेडी 6 साल से किसी और के साथ अफेयर में फंसी है, किसी के साथ सो चुकी है, 10 बार उठ चुकी है, उसके बाद उस लड़के का वशीकरण कराना चाहती है कि उसकी माँ उसकी शादी उससे करवा दे, क्योंकि वो है कि वो नीचे कास्ट की है और वो ऊपर कास्ट का है। उनका ऐसा है कि अगर शादी हो जाएगी तो किधर पूजे पाठ में कोई बैठ नहीं सकता, वो इंसान अब्रॉड में रहता है। तुम्हें ये सब बात की जानकारी न होते हुए तुम उसका साथ दे रहे हो। जो लड़की अगर एक लड़की अगर ना समझे तो वो मुझे पैसे क्यों देगी 90,000, ये बात आप लोग ने सोची नहीं। सामने वाला मुझे खुद होशो हवास में दे रहा है ना, होशो हवास में दे रहा है और जिधर तिधर फंसाने को देख रहा है। तो ये बात के लिए तो मैं तय तक जाऊंगी। और एक बात हो गई अब कि अब ये सामने वाला या तो अपना केस वापस लेगा या तो सबके सब मानहानि के केस में फंसेंगे। मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ। मैं चलाती हूँ लॉटरी सिस्टम, मैं देती हूँ। मैं उस लड़की को आज भी फ़ायदा दिलाने जा रही थी। मेरा अगर ये अकाउंट फ़ीस नहीं होता, आप सच्ची बोल रही हूँ, जो 24 जो बीच में 25 जुलाई को मेरा अकाउंट एक फ़ीस हुआ था, वो अगर अकाउंट फ़ीस नहीं होता तो अब तक उस बच्ची को भी फ़ायदा मिल गया होता और भी मेरे 2-4 लोग जो मेरा वेट करें उनको भी फ़ायदा मिल गया था। एक उसकी एक गलती की वजह से बाकी लोगों का हुआ, क्योंकि अकाउंट फ़ीस हुआ तो अभी मैं कुछ कर नहीं सकती। तो अब ये बात यह है कि जितने लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जितने लोग जानते हैं, आज उस लड़की के नाम से सब सीरियल अपने चलाएंगे, जिसने जो गलती की उनका। और साइबर क्राइम, जवान लड़कियों को देख के बड़ा मुँह में पानी आ जाता है। हाँ, सामने वाले की बात नहीं सुननी, सामने वाले को फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बेगर जाने पूछे। आपको एक बार मुझे फ़ोन करके पूछना चाहिए था, मैम ऐसी ऐसी बात है, क्या बात है, कैसी बात है, मैं बताती। मेरी व्हाट्सअप की रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुन ली, मैं बोल रही व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग आपने मेरी ली, ओके ठीक है, लेकिन क्या गारंटी कि उसने बात नहीं की होगी। पहले दोनों पक्ष सुनना चाहिए ना, सामने वाला क्या। मैं मेरा सीधा बात है, मैं अपने यूट्यूब पर बोलती हूँ, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मेरा काम है कि मुझे आपका पैसा वापस करना है, सही बात है। तो आपको अपना पैसा मांगना चाहिए था। वो लड़की अभी तक मुझसे बात कर रही है, लेकिन अभी तक उसने मुझे कहा नहीं कि मुझे पैसा दो। मैंने उसको कहा कि मैं आपका भिजवा रही हूँ, क्योंकि अभी आप सोचिए 25 तारीख को अकाउंट ही फ्रीज हो गया, उसके बाद मैं कैसे भेजूँगी। मुझे दूसरे अकाउंट में बड़ा अमाउंट मंगाने के लिए तो डर लगेगा ना, मैं संभल के काम कर रही थी ना। उसके बाद भी सामने वाले ने सोचा समझा नहीं और सबका अकाउंट फ्रीज करवा रहे हैं। पुलिस वाले भी बेगर सोचे समझे करवा रहे हैं। आपको पता है आप पर केस हो सकता है, आप पर मानहानि का केस हो सकता है। तो कोई बात नहीं, मैं सीधे सीधे खुले शब्दों में बोल रही हूँ, या तो अपनी गलती मानो, एक्सेप्ट करो, नहीं तो ये बात याद रखना कि अब मेरे को नहीं आना पड़ेगा, अब तुम लोगों को बॉम्बे आना पड़ेगा, और जो तुम्हारे साथ होगा वो बहुत गलत होगा, क्योंकि पलड़ा तुम्हारा भारी, मेरा नहीं है। तुम हमारे पास आए थे, हम तुम्हारे पास नहीं गए थे। और पीड़िता कोई बच्ची नहीं है 2 साल या 5 साल की कि उसका माइंड में वॉश कर दूँगी, ठीक है। पीड़िता अगर इतनी बच्ची होती और इतनी नासमझ होती तो किसी आदमी के साथ 6 साल तक अपने आप को गंदा नहीं करती, ये बात याद रखेगा। और अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो मैं सारी इस व्हाट्सअप की स्क्रीनशॉट सारा चीज़ मैं खुद यूट्यूब पे डाल दूँगी। फिर मेरे को देना पड़ेगा चलेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 90,000 का 5 लाख देने के लिए, मैं दूँगी, लेकिन उसके लिए बाकायदा मुझे लिखित में देना पड़ेगा कि मेरी गलती बताओ, मेरी गलती क्या है। मेरे पास आज तक ये पहली बार का चीज़ है कि ऐसा हुआ है। मेरा काम है कि आपका पैसा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पैसा भी डूबेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम जिस पुलिस वाले के पास गए हो, मैं उसी पुलिस वाले को 1-1.5 लाख रुपया दे दूँगी कि भाई इसको समझाओ, क्या करेंगे ये बताओ। तुम एक तो जवान लड़की हो, जा रही हो, तुमको एक बात भी डर नहीं लग रहा है कि सामने वाला तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है, तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं, तुम्हारी वजह से और कितने लोगों का अकाउंट फ्रीज हो गया, तुम लोगों ने अपने चक्कर में क्या गलती की। अब ये गलती की सज़ा मैं ऐसी दूँगी कि याद रखेंगे, और मैं पूजा भी करूँगी। आप याद रखना, मैंने अपने पूजे से ये तो बात कर निकाला कि कौन है, पूरी चीज़ें सामने आ गई। अब मैं जो करने जा रही हूँ उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए माफ़ी नहीं दूँगी। जो गलती की उसे मैं अपनी गलती कबूल कर रही हूँ,
मेरी गलती क्या है कि मैंने तुम्हारा काम लिया और वो भी तुमने मुझे भेजा, मैंने तो तुम्हारे तक नहीं आई थी और उसके बाद तुमने मुझे बेगर इन्फॉर्म की, ये गलती क्या है? पहले मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था कि मैम मुझे नहीं काम कराना है, मेरा वापस कर दो, ठीक है? नहीं हुआ तो बात की बात है, और उसमें करा के क्या मिला? सामने वाले ने सिर्फ अकाउंट फीस कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, और उसके लिए भी तुमको पैसा, अब तुम्हारे चक्कर में हमको हमारा भी पैसा जाएगा, तुम्हारा भी पैसा जाएगा। तुमको तो पता है तुम्हारा तो पुलिस वाला पैसा पूरा देगा नहीं, पुलिस वाले चमड़ी चोर होते हैं, तुम्हारी इज्जत से भी खेलेंगे, तुम्हारे पैसों से भी खेलेंगे। हमें क्या है, हमें भी वो पैसे ही लेंगे। आज की तारीख में कोई किसी पे वो नहीं बनाते हैं, ठीक है? फ्रॉड किसको कहते हैं मालूम है? फ्रॉड उसको कहते हैं कि हमने आपका पैसा लिया और आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, आपसे बात नहीं किया, आपको हर जगह से हटा दिया, तब हम पर बनता है। हम ऑनलाइन में ऑनलाइन एक्टिव रहती हूँ, व्हाट्सअप डेली मेरा चालू रहता है, उसके बाद भी आपने गलती की। अब उसकी सज़ा जो देंगे हमारी पूरी टीम देगी, अब उसके लिए वेट एंड वॉच, देखो क्या होगा।